सो हे गाइस, दिस इज वॉरियर राइडर, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके सामने लेकर आऊँ अपनी खुद की बाइक KTM RC 390 2018 मॉडल, जो कि मेरी खुद की बाइक है। ये हमारी बाइक खड़ी है और इसमें क्या क्या चेंजेस जो नई वाली बाइक के अंदर आए और क्या क्या चेंजेस इसके अंदर देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं वो मैं आपको आज बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले आज बताए तो मैंने इसमें क्या क्या करवा रखा है। मैंने इसमें मॉडिफिकेशन करवा रखी है, ये वाली जो HJC की मैंने इसमें आपकी प्रोजेक्टर लाइट अलग से ड्यूल प्रोजेक्टर लाइट लगवा रखी है। साथ ही इसमें क्या क्या आता है मैं आपको वैसे फ्रंट पे बता देता हूँ। इसमें हमें जो देखने को मिला है, जो मेरे को मिला था, यहाँ पर मैंने स्टिकरिंग करवा रखी अपनी वॉरियर राइडर की। ठीक है गाइस, और ये हमारे पापा जी ने लगवा रखा जब हम मनाली घूमने गए थे गणेश जी, ताकि भाई अपना एक्सीडेंट वगैरह सेफ्टी के पर्पज़ पर चले। चलो अब बात करते हैं इस बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको वाइज़र, ट्रांसपेरेंट वाइज़र था ये। ठीक है गाइस, साथ ही आपको इसमें देखने को मिल जाता था, जो कि अब नहीं आता इस बाइक का, क्योंकि ये बाइक अपनी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। इसके अंदर ड्यूल प्रोजेक्टर लाइट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है और यहाँ पर आपको DRL लाइट्स भी देखने को मिल जाती है ड्यूल। ठीक है गाइस, और बात करें हम इसके सस्पेंशन की, तो जो कि आपको WPFX के यहाँ पर सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं अप साइड डाउन। ठीक है गाइस, साथ ही आपको ब्लैक ग्लोस कलर का मड गार्ड देखने को यहाँ पर मिल जाता है। और साथ ही बात करें इसके अलॉय की, जो कि आपको ऑरेंज कलर के अलॉय यहाँ पर 10 रोड के साथ आपको यहाँ पर अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है ऑरेंज कलर का। ठीक है गाइस, साथ ही यहाँ पर जो टायर है इसके मैंने एक बार चेंज करवा दिए, मैचलिन के टायर है। ठीक है गाइस, आपको 170 का आपको टायर साइज़, फ्रंट का टायर साइज आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ट्यूबलेस टायर के साथ आती है अपनी बाइक। ठीक है गाइस, और साथ ही बात करें इसकी हेडलाइट, जो कि काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी एक्स्ट्रा लाइट लगवाने की तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं ऑफ रोडिंग वगैरह भी मतलब पहाड़ों वगैरह पे भी जाता हूँ, तो मैंने HJC की मैंने एक्स्ट्रा प्रोजेक्टर लाइट इसमें लगवा दी थी। ठीक है गाइस, दोनों तरफ है ये, अपने राइट लेफ्ट तरफ भी है और अपना राइट तरफ भी देखने को मिल जाती है। साथ ही बात करें हम इसके डिस्क की, जो कि आपकी 320mm की यहाँ पर डिस्क देखने को मिल जाती है विद ABS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। ठीक है गाइस, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की लुक यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ ही बात करें इसकी रेडिएटर की, जो कि आपको विद कवर आपको देखने को मिल जाता है रेडिएटर, सिंगल फैन के साथ आती थी ये बाइक, जो अब आपकी RC390 आती है उसके अंदर आपको डबल रेडिएटर फैन देखने को मिल जाते हैं। रेडिएटर तो यही है, इसके अंदर आपको डबल फैन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की लुक अंदर से यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो बाइक है पहले हमारी काफ़ी भरी भरी थी, जो अब RC390 आती है वो अभी इतनी भरी भरी नहीं दिखती। ठीक है, यदि बात करें हम इसके राइड प्रोफाइल के बारे में, जो कि आपको पैनल यहाँ पर फुल फेयरिंग पैनल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, KTM की बैजिंग देखने को मिल जाती है, RC390 की भी बैजिंग यहाँ पर आपको व्हाइट एंड ब्लैक एंड ऑरेंज कलर की देखने को मिल जाती है। वैसे ये ब्लैक मॉडल है, ब्लैक कलर में। ठीक है, साथ ही बात करें हम इसके इंजन की, जो कि आपको ग्रे कलर का इंजन यहाँ पर रेसिंग KTM का देखने को मिल जाता है। साथ ही जो इसका इंजन है वो आपको 373 cc का आपको सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOSC FI इंजन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 43.5 BHP पावर 9000 RPM के साथ। साथ ही बात करें हम इसके न्यूटन टॉर्क की, जो कि आपको 36 Nm न्यूटन टॉर्क देखने को मिल जाता है 7000 RPM के साथ। ठीक है गाइस, साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर रेसिंग की KTM की बैजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही बात करें हम इसके रियर ब्रेक लीवर की, आपको स्टेनलेस स्टील का देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको यहाँ पर KTM की बैजिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती थी। ठीक है गाइस, एक बार टूटने के बाद ये जुड़ता उड़ता नहीं है, ये मतलब एक ही बार है, मतलब ना फोल्डेबल है ना कुछ है इसमें। ठीक है गाइस, वैसा आता था, बिल्कुल रो बाइक अपनी है। साथ ही बात करें हम फुटरेस्ट की, जो कि आपको फोल्डेबल यहाँ पर रबड़ के फुटरेस्ट देखने को मिल जाते थे राइडर के ये, और साथ ही बात करें हम इसके रियर फुटरेस्ट की, जो कि आपको रबड़ के देखने को मिल जाते हैं दोनों राइडर के भी, पिलियन के भी आपको फोल्डेबल दोनों रबड़ के फुटरेस्ट यहाँ पर आपको फोल्डेबल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है गाइस, साथ ही बात करें हम इसके एग्जॉस्ट की, जो कि आपको मैट ग्रे कलर का, मैट ब्लैक कलर का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको स्टेनलेस स्टील का ये सिल्वर कलर का कवर, स्टील का कवर आपको देखने को मिल जाता है, जिससे पैर वगैरह नहीं जलेंगे। ठीक है गाइस, साथ ही बात करें हम इसके रियर लुक की, जो कि आपको यहाँ पर मड गार्ड देखने को मिल जाता है और रियर अपना टायर देखने को मिल जाता है और आपको यहाँ पर सस्पेंशन देखने को मिल जाता है विद कवर। ये कवर आपको इसलिए दे दिया जाता है ताकि कीचड़ वगैरह गिरे तो शॉकर वगैरह जल्दी से लीक या ख़राब वगैरह ना हो। ठीक है गाइस, साथ ही आपको मड गार्ड देखने को यहाँ पर मिल जाता है। अब बात करते हैं हम इसके रियर टायर के बारे में, जो कि आपको 140/70/17 का आपको टायर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो टायर था वो 150/70/R17 का आपको टायर देखने को मिलता था, लेकिन मैंने इसमें 140 लगवा लिया है, क्योंकि एक बार टायर मैंने चेंज करवा दिया। ठीक है गाइस, ये भी मैंने मिचलिन का डलवा रखा, ये टायर छोटा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई ये टायर मत डलवाना, 140 साइज़ या ऊपर नीचे साइज़ मत डलवाया करो, जो कंपनी साइज़ देती है वही आप डलवाया करो, क्योंकि भाई राइडिंग पोजीशन और राइडिंग में बहुत काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। मैं इसको लेटा के नहीं चला सकता, लीन वीन करता हूँ ना तो वापस खड़ी हो जाती है बाइक, ये इसमें एक बिग प्रॉब्लम लगी मेरे को छोटा टायर डलवाने पे।
अब बात करते हैं हम इसके रियर डिस्क की, जो कि आपको 230 mm के यहाँ पर रियर डिस्क देखने को मिल जाती है विद ABS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। जो कि इसकी ब्रेकिंग सिस्टम है ना, वो आपको बाइबर की ब्रेकिंग देखने को मिल जाती है फ्रंट की भी और अपनी बैक की भी। ड्यूल चैनल ABS के साथ अपनी ये बाइक आती है, ठीक है। और जो उसका टायर और साइज़ मैंने आपको बताई दिया है, और ट्यूबलेस टायर के साथ अपनी बाइक देखने को मिल जाती है। बात करें हम इसके टायर अलॉय की, जो कि आपको 10 रोड्स के साथ ऑरेंज के आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको 10 रोड्स मिलती है, और जो अपनी नई बाइक है उसके अंदर आपको 5 रोड देखने को मिल जाती है। ये जो है ये आपको उसमें 5 रोड देखने को मिल जाती है, जो कि इसमें आपको 10 रोड देखने को मिलती है, ठीक है गाइस। बाकी आप बता ही सकते हैं मजबूत कौन सी होगी, 10 रोड वाली या अपनी 5 रोड वाली। साथ ही बात करें हम इसके मडगार्ड की, जो कि आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का देखने को मिल जाता है। KTM की यहाँ पर बैकिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर आपको छोटा सा मडगार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और बैक प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का टायर आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं हम इसकी टेल लाइट की, टेल लाइट कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है। KTM जैसे अपनी पुराने वाली आती थी, और LED टेल लाइट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। साथ ही बात करें इसके इंडिकेटर की, जो कि मैंने यहाँ पर MCL लगा के जोड़ रखे हैं, टूटे वोटेंगे नहीं फ्यूचर में भी। इसके जो इंडिकेटर है वो आपको LED इंडिकेटर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। हजार लाइट ऑप्शन उस टाइम पर नहीं आता था, मैंने अलग से इसमें लगवा रखे हैं आफ्टर मार्केट। और साथ ही बात करें इसकी नंबर प्लेट यहाँ देखने को मिल जाती है, साथ ही यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर लाइट भी देखने को मिल जाती है। साथ ही बात करें हम इसके लेफ्ट प्रोफाइल के बारे में, जहाँ पर आपको सैडी गार्ड देखने को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है गाइस। और ये डिस्क लॉक भी मैंने आफ्टर मार्केट इसमें लगवा रखा है, बाइक के साथ नहीं आता। साथ ही आपको चैन कवर देखने को मिल जाता है, चैन स्पॉकेट यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, मैंने अभी तक एक भी बार चेंज नहीं करवाया है, 14,000 हमारी बाइक चल चुकी है, देखने को मिल जाता है, ठीक है गाइस। बात करें इसके फुटरेस की, जो कि आपको सेम आपको फुटरेस रबड़ के लेफ्ट प्रोफाइल में देखने को मिल जाते हैं, राइडर के और पिलियन राइडर के। साथ ही बात करें हम इसके गियर लीवर की, इसमें स्टेनलेस स्टील का गियर लीवर आपको ब्लैक कलर का देखने को मिल जाता है। 6 गियर के साथ ये बाइक आती है, पहला डाउन है बाकी 5 अप है। और जो इसका स्टैंड है वो आपको सिंगल स्टैंड मेटल का आपको बैट ब्लैक कलर का देखने को मिल जाता है, इसमें आपको डबल स्टैंड देखने को नहीं मिलता। साथ ही बात करें हम इसके रियर सस्पेंशन की, जो कि आपको WP Apex के यहाँ पर वाइट कलर के सस्पेंशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। 10 स्टेप में आप एडजस्टेबल कर सकते हो अपने हाइट और राइड के हिसाब से, ठीक है गाइस। इसमें आपको यहाँ पर लेफ्ट प्रोफाइल में यहाँ पर आपको फेयरिंग देखने को मिल जाती है KTM RC 390 की। इसके अंदर आपको असिस्ट स्लिपर क्लच भी देखने को मिल जाता है, ठीक है गाइस। जो कि अब वाली बाइक में भी आता है, उसमें आपको क्विक शिफ्टर भी देखने को मिल जाता है, इसमें आपको असिस्ट स्लिपर क्लच देखने को मिलता था। साथ ही बात करें हम इसकी सीट की, जो कि आपको स्प्लिट सीट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है गाइस। ये जो है सीट राइडर की तो काफ़ी कंफर्ट है, और काफ़ी कुशनिंग भी है, लॉन्ग राइड वगैरह मैंने कर रखी है इस पे तो मुझे पता है, ठीक है गाइस। तो सॉफ्ट वगैरह है, बाकी पिलियन राइडर की भाई काफ़ी हार्ड सीट है इसकी। वैसे तो ये सिंगल सीट ही है, सिंगल सीट ही बाइक है अपनी, डबल सीट नहीं है ये। यहाँ पर काफ़ी हार्ड सीट है पीछे वाली, लेकिन जो हमारी नई बाइक आ रही है ना अभी RC 390 2024 मॉडल, उसके अंदर आपको स्प्लिट सीट और काफ़ी बढ़िया सीट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, जो कि पीछे वाले राइडर को भी कंफर्ट है और आगे वाले राइडर को भी लॉन्ग राइड पे कंफर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आपको ग्रैब रील के तौर पे यहाँ पर आपको मेटल का कुछ इस तरीके का देखने को यहाँ पर मिल जाता है, जो कि RC 390 जो नया मॉडल है उसके अंदर आपको देखने को दोनों तरफ में मिलता है। इसमें आपको जो है इस तरफ ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो किसी काम का मेरे को लगता नहीं है। वैसे ये मैं इस पर कुछ बांध लेता हूँ, जैसे अपना Insta360 हो गया, ये सब मैं बांध देता हूँ इस पर, और बाकी मेरा कुछ इसमें ज़्यादा वर्क मेरे को लगा नहीं कि इसे पकड़ के हम बैठ सके। वैसे ये मेटल का ग्रैब रील, ठीक है गाइस। साथ ही बात करें इसके टैंक की, जो कि आपको 9.5 लीटर का टैंक फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि जो अपनी जो KTM RC 390 2024 मॉडल है उसका जो टैंक है वो आपको 13.5 लीटर का आपको टैंक देखने को मिलता है, जो कि इस ये वाली जो मॉडल है हमारा, इसमें आपको 9 लीटर का टैंक देखने को मिलता है, और उसका आपको ऑलमोस्ट 4 लीटर ज़्यादा टैंक देखने को मिल जाता है फ्यूल का। और साथ ही बात करूँ मैं इसकी एवरेज की, जो कि एवरेज इसकी आती है आपकी 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर की, इसकी एवरेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और बात करें हम नए वाली बाइक की, तो उसमें भी आपको थोड़ी बहुत एवरेज अप डाउन देखने को यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है गाइस। साथ ही यहाँ पर आपको RC KTM की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और जो उसका टैंक है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही बात करें हम इसकी सीट और हैंडलिंग की, तो काफ़ी एग्रेसिव सीट इसकी देखने को यहाँ पर मिल जाती है। और बात करें इसके हैंडल की, तो हैंडल बार कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको इसमें लेफ्ट हैंडल बार की बात करें, तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल क्लच लीवर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। साथ ही आपको यहाँ पर पास बटन देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको यहाँ पर हेडलाइट के स्विच देखने को मिल जाते हैं, इंडिकेटर के स्विच देखने को मिल जाते हैं, हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाता है, ठीक है गाइस। हैंडल बार कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है विद आपको KTM की बैजिंग के साथ। साथ ही राइट हैंडलिंग की बात करें, तो यहाँ पर भी आपको फ्रंट का ब्रेक लीवर देखने को मिल जाता है, वो भी एडजस्टेबल है, आप अपने राइड और राइड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही बात करें हम इसके
किल स्विच की, जो कि आपको रेड कलर का यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और सेल्फ का स्विच भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है राइट हैंडलिंग पे, ठीक है। एक्सीलेटर भी इसका रेड बाय वायर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर मैंने ये एक्स्ट्रा लाइट लगवा रखी है, इसका मैंने इसमें जो जो करा रखा है चलो मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे ये अपने हमने लाइट लगवा रखी है जिससे हमारी यहाँ पर रेड लाइट जल जाती है और यहाँ पर नीली लाइट जल जाती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके वीडियो देख सकते हो, मैंने काफ़ी डाल रखी है लाइटिंग की, यहाँ पर भी नीली लाइट देखने को मिल रही होगी आपको। साथ ही एक बार मैं की लगा देता हूँ, साथ ही मैं दिखा देता हूँ आपको ये लाइट कैसे जलती है अपनी। जो ये वाला बटन है, जो हमारी HJC की लाइट है, वो किस तरीके से जल के दिखती है आपकी, देख सकते हो आप। यहाँ पर फ्रंट की जो लाइट है हमारी HJC की, वो कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है, और हमारी जो फ्रंट की प्रोजेक्टर लाइट है वो आपको कुछ इस तरीके की जल कर देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसमें आपको वाइट भी दिखती है, और मैं पीली भी जला के दिखा देता हूँ। तो पीली हमारी ऐसे कुछ इस तरीके की जल के हमारी बाइक दिखती है, ठीक है। ये मैंने कम ही यूज़ हुई है वैसे तो, क्योंकि राइड वगैरह मेरी कम ही होती है। साथ ही बात करते हैं इसके मीटर की, जो कि आपको स्टार्ट होकर कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। साइड स्टैंड का भी इसमें सिग्नेचर देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको कोई इसमें मतलब मैनुअल नहीं है, सब आपको डिजिटली देखने को मिलता है। इसमें आपको यहाँ पर हीटिंग देखने को मिल जाती है, इंजन हीटिंग, साथ ही आपको फ्यूल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको मोड देखने को मिल जाते हैं जिससे आप अपने मीटर को कंट्रोल कर सकते हो, ट्रिप वगैरह, ठीक है गाइस। इसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर सब आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको इसमें इंजन लाइट देखने को मिल जाती है। इसमें आपको RPM भी लाइट देखने को मिल जाती है रेड कलर की। साथ ही आपको अपनी गियर इंडिकेटर की लाइट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, और आपको यहाँ पर हेडलाइट का लाइट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ABS का भी फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है बाइक में तो ये ब्लिंक करेगा। वैसे इसमें ABS की प्रॉब्लम हो रही है हमारी बाइक में, ABS फेलियर दिखा रहा है अभी, तो ये बाद में जाके हम चेक वेक कराएंगे। साथ ही इसमें सेट का मोड है जिससे आप अपने टाइम वगैरह सेट कर सकते हो, मीटर वगैरह सेट कर सकते हो अपनी ट्रिप वगैरह, ठीक है। साथ ही इसमें एक दो और यहाँ पर भी एक बटन देखने को मिल जाता है जिससे अपना ABS ऑफ होता है। ये बटन है वैसे, गैप दे रखा है वैसे, ठीक है। साथ ही आपको KTM की बैजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही बात करें हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, जो कि आपको 178 mm की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और आपसे बात करें हम इसके कार्ब वेट की, जो कि आपको 170 kg की बाइक आपको 400 cc के अंदर देखने को मिल जाती है। ये जो बाइक है काफ़ी बिकी है, काफ़ी इसने धमाके वगैरह मचाए हैं, ठीक है। मेरी बाइक का देख लो, अभी भी मैंने पन्नी वगैरह नहीं उतारी, इसकी पन्नी भी ऐसी है। साथ ही बात करूं मैं इसकी टॉप स्पीड की, जो कि आपकी 174 km/h की टॉप स्पीड इसमें मैंने चलाई है भाई, मैं खुद बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। और अब बात करता हूँ मैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, जो कि इसका प्राइस आपको पड़ने वाला था, अभी तो ये नहीं आती, ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है। जो मैंने ये बाइक ली थी जब इसका प्राइस था एक्सशोरूम, जो इसका प्राइस था 2,44,000 रुपये, और ये ऑन रोड मेरे को पड़ी थी दिल्ली के अंदर 2,84,000 रुपये की, ठीक है। बाकी लोन वोन करके मेरे को 3,20,000 रुपये की पड़ी थी। सो गाइस, ये थी मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपनी KTM RC 390 के ऊपर, जो कि आपको 2018 मॉडल यहाँ पर आपको देख के बारे में मैंने बताया, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी किसी और बाइक, स्कूटर के साथ। टिल टेक केयर, बाय बाय, रब रखा।